दोस्तों आज की न्यूज चालू करने से पहले बता दूं, मेरा गला कुछ खराब है, बैठ गया है, आप सुन सकते हो। तो ज्यादा हर रोज की जैसे उतनी एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन न्यूज तो जरूर आएगी। नोकिया 8.1 फाइनली लॉन्च हो गया है इंडिया में और उसकी प्राइस डिक्लेयर हुई है 27,000। हमने नोकिया 8.1 पे एक वीडियो किया हुआ है, जरूर देखिए जाके। 27,000 दोस्तों ठीक ठाक प्राइस है, लेकिन अगर 25,000 तक होती थी तो ठीक होता, क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशंस है दोस्तों वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, और इसके लिए आप दोगे, जी हाँ, डुअल कैमराज हैं, अच्छी स्क्रीन है, दिखने को भी अच्छा है, पर 27,000 इज अ लिटिल हाई। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 280। दोस्तों आज सुबह हमने एक वीडियो किया हुआ है जिसमें एक सरप्राइज है। जी हाँ, ब्रेन वेव्स ऑडियो के ईयरफोन्स, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, बहुत कुछ है। तो बहुत सारी चीजें हम दे रहे हैं, यू कैन विन इट, लेकिन ट्विटर और इंस्टाग्राम एक्सक्लूसिव है ये, जरूर देखिए वीडियो और पार्टिसिपेट कीजिए, क्या पता आप जीत सकते हो बहुत सारी चीजें। पिक्सेल 3 लाइट, जी हाँ, इसके रेंडर्स, ये दो अलग अलग वर्जन्स हैं, बोनीटो और सार्गो, इसके बारे में पहले बताया है, लेकिन अभी रेंडर्स बाहर आ गए हैं, उसके ऊपर से पता चलता है कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी होने वाली है, 3.5mm जैक होगा, बड़े बड़े बेजल्स हैं, बड़े बेजल्स, 2017-2016 के जैसे फोन थे वैसे बेजल्स हैं, और ये लॉन्च होने वाला है दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019, यानी जैन फेब मार्च में लॉन्च होगा। इसकी प्राइस क्या होने वाली है ये इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर का वर्जन है, लाइट में का ऊपर का वर्जन है, वो 710 प्रोसेसर पे आएगा, SD710, और जो लोअर वर्जन है वो आएगा SD670 प्रोसेसर पे। जब आएगा तब देखेंगे इसकी प्राइस, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 25-30,000 के नीचे होंगे। गूगल पिक्सेल है आपके। Honor View 20 दोस्तों, आपको पता नहीं, Honor View 10 जब आया था बहुत हल्ला किया था उसने, अच्छा फोन था ये, अच्छे प्राइस पे भी लॉन्च हुआ था, उसका सक्सेसर आ रहा है, दिसंबर 26 को लॉन्च होने वाला है Honor View 20, और दोस्तों ऐसे कहा जा रहा है कि इसमें 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा होने वाला है, आगे की जो स्क्रीन होगी कंप्लीटली बेजललेस, और वही, जी हाँ, इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा होगा, इसका मतलब पिन होल, पंच होल, बिंदी, जो भी आपको कहना है वैसा ही कैमरा होने वाला है। तो ओवरऑल ये अच्छा लग रहा है, जिन लोगों ने फोटो सैंपल्स देखे हुए हैं उन्होंने ऐसे कहा है कि ये DSLR के जैसे फोटो खींचता है, इतनी अच्छी क्वालिटी है। IMX586 सेंसर इस्तेमाल करता है सोनी का, एंड 48 मेगापिक्सल, जब आएगा तब देखेंगे। ये होने वाला है दिसंबर 26 को चाइना में लॉन्च, इंडिया में कब आता है ये अभी पता नहीं, बट आई होप जल्दी ही आ जाए। दोस्तों OnePlus 6T की एक इंटरेस्टिंग खबर बाहर आ रही है, जी हाँ, उनके फोरम्स पे एक पोस्ट डाला हुआ है OnePlus के स्पोक्स पर्सन ने, उन्होंने ऐसे कहा है कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर OnePlus 6T का, वो जैसे आप यूज करोगे वैसे फास्ट होते जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमेशा जब भी यूजर इन डिस्प्ले का इस्तेमाल करता है फिंगरप्रिंट सेंसर का, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है फिंगरप्रिंट्स की, और भी वो ज़्यादा डालता है OnePlus 6T के अंदर, स्टोर करता है, और उसकी वजह से जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा फास्ट होता है। चलिए मैं OnePlus 6T इस्तेमाल करता हूँ, देखता हूँ कितना फास्ट होता है। आप अगर इस्तेमाल करते हो OnePlus 6T, खरीदा है आपने, क्या आपने कुछ नोटिस किया आपका जो इन डिस्प्ले है वो फास्ट हुआ, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। Xiaomi की तरफ से दो तीन खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो Redmi Note 6 Pro दिसंबर 12 से ओपन सेल में जाने वाला है, ये थोड़ा जल्दी हो गया। जनरली फोन लॉन्च होने के 3-4-5 महीने के बाद वो ओपन सेल में जाता है, लेकिन Redmi Note 6 Pro कुछ 2-3 हफ्ते में ही ओपन सेल में चला गया। क्या इसका ये मतलब है कि Redmi Note 6 Pro ज़्यादा नहीं बिक रहा है और इसीलिए ओपन सेल में इतने जल्दी चला गया? जो भी रीज़न है, अगर आप रुके हुए थे Redmi Note 6 Pro खरीदने के लिए, अभी तक नहीं खरीदा हुआ है, तो ज़रूर आप जाके me.com वगैरह से ले सकते हो। वैसे कल हमने बताया था कि Redmi Note 5 Pro नहीं, Redmi Note 5 डिसकंटिन्यू हो गया है, ऐसे कुछ नहीं है, कंपनी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अभी भी अवेलेबल है, me.com पे जाके आप खरीद सकते हो, दूसरे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे भी है, लेकिन मुझे पता नहीं कितने लोग अब Redmi Note 5 खरीदेंगे, पता नहीं, आप जरूर बताइए। और Xiaomi की तरफ से तीसरी खबर यह है कि Poco F1 का प्राइस जो है, जो ऑलरेडी बहुत कम है, वो परमानेंटली 1,000 रुपये से कम हो गई है। तो इनका जो 6GB का वर्जन है, जो जनरली 20,990 को मिलता है, अब 19,990 को मिलेगा। इसका मतलब परमानेंटली Poco F1 विल बी बिलो 20,000, द चीपेस्ट 845 प्रोसेसर वाला फोन, एंड इज नाउ इवन मोर चीपर।
एंड फाइनली सैमसंग A8s, पिछले कुछ दिनों से बात कर रहा हूँ इसके बारे में, ये लॉन्च हो गया है चाइना में। जी हाँ, उसमें भी पंच होल नॉच है, पिन होल नॉच, जो भी कहना है। बेजललेस डिस्प्ले है, 6.2 इंच की FHD प्लस स्क्रीन है, जिसमें 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो आता है। पीछे की तरफ ट्रिपल कैमराज है। ओवरऑल ग्रेट लुकिंग फोन। इंडिया में ये लॉन्च होने वाला है कुछ जैन में, जब आएगा तब सब डिटेल्स देंगे, लेकिन अच्छा तो लग रहा है। प्राइसिंग अभी तक बाहर नहीं आई है, अभी तक बताया नहीं है क्या प्राइसिंग होने वाले, 6GB 8GB अलग अलग वर्जन होने वाले हैं। प्राइस जब आएगी तब जरूर बताएंगे, बट मुझे लगता है हमेशा की तरह सैमसंग ओवर प्राइस करने वाला है। और दोस्तों, पबजी का नया मैप विकेंडी मैप जो है, ये अब टेस्ट सर्वर्स पे आ गया है। इसका मतलब बहुत ही जल्दी आपके मोबाइल फोन्स पे भी आने वाला है। ये खबर खास पबजी जो खेलते हैं उनके लिए है। और हाँ दोस्तों, शायद डील्स का सीजन खत्म हो गया है, हमें आजकल डील्स, अच्छे डील्स मिल नहीं रहे हैं, तो आज के न्यूज़ में डील्स नहीं है, पोल्स भी नहीं है। जी हाँ, वीकेंड था, आज सुबह आने के बाद इतना सारा काम था, पोल्स भी नहीं डाल सके, लेकिन कल ज़रूर होगा। लेकिन एक चीज नहीं भूले हैं दोस्तों, ट्रैक इन टेक ट्रेजर हंट। जी हाँ, अगर आपको अभी तक नहीं मिला है इतनी न्यूज देखने के बाद, जाइए देखिए वापस। अगर आपको मिला है तो जाइए कमेंट सेक्शन में डालिए कि भाई आपने क्या देखा। नहीं, पहले #TTTH, साथ में टाइमस्टैम्प, और फिर स्पेसिफिकली आपने क्या देखा ये डालिए, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप जीत सकते हो अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर। और परसों के हमारे ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट के विनर है सनी जायसवाल। कांग्रेचुलेशन सनी जी, बहुत ही जल्दी जैसे ही हो सके, जैसे ही ये न्यूज देख रहे हो आप, भेज दीजिए हमें आपका अमेजॉन का ईमेल आईडी और हम भेज देंगे आपको आपका अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 280 खत्म होती है इधर ही। फिर से माफी चाहता हूं, गला थोड़ा खराब है, अगर कुछ आपको ठीक तरह से नहीं सुनाई दिया हो, वेरी सॉरी। चलिए दोस्तों, ये अगर न्यूज़ आपको अच्छी लगी, लाइक करना मत भूलिए, नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।